कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे, जिस वीडियो को अभी आपने प्रीव्यू में देखा, आपने देखा होगा यहाँ पे एक न्यू स्टाइल में लिरिक्स भी है, तो पूरी एडिटिंग सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और कैसे अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो वीडियो एडिट करने के लिए बीट मार्क सर्टिफिकेट को इम्पोर्ट कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो यहाँ पे एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप लोग दे सकते हो इस फ़ोन का नाम ओके स्टेफन टाइप है। ओके तो इस पर से फ़ोन को इम्पोर्ट कर लेना। तो इस फ़ोन इम्पोर्ट करने के लिए तो क्या करना है, तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। कोई भी टैक्स पर क्लिक करके एडिट टैक्स पर क्लिक करना है, एंड इस वाले छोटा साइकन पर क्लिक करके ओके यहाँ पे व्यू ऑल फोन पे क्लिक करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है इधर लेफ्ट साइड ऊपर में, एंड इंपोर्ट फोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो ध्यान से देखना है डाउनलोड में होना चाहिए ओके। एंड यहाँ पे जो आपने डाउनलोड किया होगा फोन, आपको ऑल मटेरियल्स वाले फाइलें मिल जाएगा, चेक कर लेना। ये वाला फोन इस पर आपको टैप करना है, टैप करोगे उसके बाद यहाँ पे ना थ्री लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारा टिक रहेगा, सभी को अनटिक करके सिर्फ इम्पोर्टेड को टिक रखना है ओके। एंड सबसे नीचे में चले जाना, और जो भी आपने नया फ़ोन इंपोर्ट किया वो सबसे नीचे मिलेगा, इस पर टैप करना है, इस प्रकार से फ़ोन लग जाएगा ओके। तो बाकी इधर मैंने बता दिया, अब यहाँ पे आपको करना क्या, आगे चले आना है और यहाँ पे 6.15 सेकंड पे, और यहाँ पे आने के बाद प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका फोटो है अपनी फोटो को ऐड करके ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम कर लेना है। फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करके फोटो एड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, एंड इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम कर लेना है ओके। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे अपने सही फोटोज को एड कर लेंगे। तो आपका जितना फोटो है ना, आप अपने सही फोटो को यहाँ पे एड कर लेना। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जितना फोटो लगेगा हम, सो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सही फोटोज़ को ऐड कर लेना है ओके। तो गाइस जल्दी जल्दी मैं सही फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो आप भी पहले अपनी फ़ोटो को यहाँ पे जल्दी जल्दी ऐड कर लो ओके। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सही फ़ोटो को ऐड कर लिया है। अब जब फोटो ऐड करने के बाद सबसे पहले ना आप शुरू में आ जाना, और सबसे पहला लेरिसन इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, एंड बैक आके सिंपली आपको जो अगला वाला लेरिसन इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, एंड इसी प्रकार से आगे का जो तीन लेरिस है इन तीनों लेरिस में इफेक्ट को पेस्ट कर देना है ओके। फिर यहाँ से बैक आ जाना है, एंड यहाँ पे सेकंड इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, और जो पहला वाला फोटो इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, और बैक आना है बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, एंड उसी प्रकार से आपको इफेक्ट को पेस्ट करना है ओके। तो पहला फोटो हम पेस्ट करें जो कि 6 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है एंड 8 सेकंड के आसपास तक है। तो इस वाले फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक फोटो को हम छोड़ देंगे आगे, एंड फिर से हम यहाँ पे 9 सेकंड 10 सेकंड वाले फोटो पे इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे, फिर एक फोटो छोड़ के एक फोटो में पेस्ट करेंगे, एंड इसी प्रकार से हम करते जाएंगे ओके। तो एक फोटो छोड़ छोड़ के आपको एक फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, एंड लास्ट तक आपको ऐसा ही करना है ओके। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको एक फोटो छोड़ छोड़ के एक फोटो में पेस्ट कर देना है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको कर देना है। अब इतना करने के बाद फिर यहाँ से बैक आ जाना है, एंड सेकंड इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे सेकंड नंबर का इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेना है ओके। एंड कॉपी करने के बाद फिर बैक आ जाना है, एंड यहाँ से बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, और आगे जाके जो बचा हुआ फोटोज है ना उस फोटोज में इफेक्ट को पेस्ट कर देना ओके। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम बचे हुए फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर लेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी इफेक्ट को पेस्ट कर देना है ओके। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से मैं पेस्ट कर लेता हूँ इन सभी फोटोज़ में जो कि बचा हुआ है ओके। तो सिंपली हम इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमने पहला इफेक्ट को पेस्ट किया था वो पहला फोटो में किया था, उसके बाद हमने एक फोटो को छोड़ के एक फोटो में पेस्ट किया था, उसके बाद जो सेकंड नंबर का फोटो है वो हमने दूसरा फोटो से स्टार्ट किया, एंड इसी प्रकार से एक फोटो छोड़ छोड़ के एक फोटो में पेस्ट किया ओके। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फिर यहाँ से आपको बैक आना है, एंड सेकंड इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर रखना है, और इन चारों लेयर को आपको सिलेक्ट करना है जो कि ऊपर में है, और यहाँ पर क्लिक करके कॉपी फोर लेयर कर लेना है। फिर बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और यहाँ पे शुरू में आपको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना है। फिर आपको सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है, और उसी प्रकार से इन चारों लेयर को फिर से सिलेक्ट करना है, और आपको सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करना है ओके। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो इसका जो लेंथ है लास्ट तक आ जाएगा। अब जैसे इतना कर लेंगे, अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर शेयर आइकन पर क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।
तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।